नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए साल के इस मौके पर हमारी कंपनी आपको बहुत ही एक बढ़िया सिस्टम दे रही है, विनस्टार सॉफ्टवेयर के अंदर। विनस्टार जो है अपना सॉफ्टवेयर है, होटल रेस्टोरेंट बार वगैरह के लिए आपका यूज़ हो जाता है। अगर आपका होटल है रेस्टोरेंट है तो प्रॉपर ही सारा जो है सिस्टम, आपका सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर। पूरा काउंटिंग बिलिंग हो जाएगी, GST सॉफ्टवेयर है अपना। तो इसके अंदर हम आपके लिए एक हॉल बुकिंग का मॉड्यूल, नया मॉड्यूल लेके आए हॉल बुकिंग का। बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि हाँ सर, आपको हॉल बुकिंग चाहिए, जैसे हमारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, या मैरिज हॉल बने हुए हैं, या पार्टी हॉल बने हुए हैं, तो हॉल की हमें बुकिंग वगैरह करनी है, जो उन पर फर्दर खर्चा वगैरह आता है, तो हमें वो सिस्टम करना है। तो बहुत ही बढ़िया, आपके लिए हमने एक नया अपडेट कर दिया है। आप एंट्रीज में जाओगे, यहाँ पर आपने हॉल बुकिंग करना है। हॉल बुकिंग में जाने से पहले अपने मास्टर में जाके यहाँ पर अपने हॉल बना लेने हैं, अपने जो भी आपके हॉल बने हुए हैं, जैसे आपका बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल है आपका, पार्टी हॉल है, जो भी टाइप के आप हॉल वगैरह होंगे, यहाँ पे आपकी कितनी कैपेसिटी है हॉल की, 100% की कैपेसिटी है, क्या चार्ज है उसका, 15,000 रुपये चार्ज आपने यहाँ पे सेव कर देना। आप यहाँ पे सेव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हॉल बुकिंग मॉड्यूल के अंदर आपका उठा लेगा। आपने एंट्री में जाना है, हॉल बुकिंग में जाना है, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल वाई लगा दी है हमने, एंटर कर दोगे आप यहाँ पे। एंटर करके जो भी आपका वाउचर नंबर वगैरह होगा वो आ जाएगा। पार्टी आपने पार्टी नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, पार्टी नेम जो है आपका F3 करके यहाँ पे आप क्रिएट करोगे पार्टी नेम। जैसे कोई भी आपका फ्रेश नया कस्टमर आता है, आपका पार्टी नेम है, जैसे सपोज कर लो अभी नाम का आपका एक कस्टमर है, एंटर करोगे आप उसका, आप उसको यहाँ पे आपने स्टेट और स्टेट को डालना उसका कंपल्सरी है, स्टेट और स्टेट को डालोगे क्योंकि वो GST के अंदर उनकी रिपोर्टें वगैरह जाती हैं, तो GST के अंदर कंपल्सरी है। अभी आ गया उसका, अपने मोबाइल नंबर वगैरह कोई डालना है मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एंटर करके कौन सी डेट को, जैसे 1 तारीख को तो वो बुकिंग करा रहा है, फंक्शन उसका है 3 तारीख को, 00/03/2022, एंटर कर दोगे कौन सी फंक्शन की टाइप है, क्या है, पार्टी है या क्या है, मैरिज है, कोई भी यहाँ पे आप उसको लिख के रख सकते हो किस टाइप का उनका प्रोग्राम है। एंटर कर दोगे, जो भी आपका हॉल होगा बैंक्वेट हॉल पार्टी हॉल, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। कितनी गैदरिंग है जो गेस्ट की है, 150 गैदरिंग है। डेकोरेशन किस टाइप की करवानी है आपने, जो कॉस्टली करवानी है या नॉर्मल करवानी है या हाई रेटेड करवानी है, किस टाइप की करवानी है उन्होंने, तो यहाँ पे आप उस डेकोरेशन की टाइप लिखोगे कि हाँ जी हाई टाइप की आपने डेकोरेशन करवानी है। जो भी आपने फर्दर डेकोरेशन के टाइप का रिमार्क लिखना हो वो लिख लोगे। हमने वहाँ पे अभी बैंक्वेट हॉल का चार्ज नहीं लिखा था, तो चार्ज यहाँ पे नहीं आया। जैसे मैं यहाँ पे 1500 रुपये या 15,000 रुपये चार्ज लिख लेता हूँ। एडिशनल आपने डेकोरेशन का कोई चार्ज, एडिशनल डेकोरेशन का चार्ज बोला है वो कर लोगे, आपका ऐड हो जाएगा। केटरिंग वगैरह का कोई चार्ज है या आपका, वो भी आपका ऑटोमेटिकली सारा टोटल अमाउंट में आपका ऐड हो जाएगा। एडवांस अमाउंट अगर आपको कोई दे रहे हैं, जैसे कैश में दे रहे हैं, तो कैश में यहाँ पे आप डालोगे, जैसे 1500 रुपये कैश में दे रहे हैं। अगर कोई गूगल पे फ़ोनपे वगैरह पे दे रहे हैं, तो जैसे पेटीएम पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप F3 करोगे, यहाँ पे आप पेटीएम बना लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका जो है आपका वहाँ पे आपको देखिए पेटीएम का अकाउंट बन जाएगा। पेटीएम से आपको दे रहे हैं उनका रेफरेंस नंबर वगैरह डालना है आपने, पेटीएम में उन्होंने आपको 800 रुपये दे दिया, देखो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ से पैसे आपके जो है कम हो जाएंगे। अगर वो आपको बैलेंस छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बैलेंस वगैरह का सेटिंग कर दोगे उनके साथ, ओके कर दोगे, तो बैलेंस अमाउंट रह जाएगी 31,500 रुपये, आपको उसको सेव कर दोगे। रिमार्क्स वगैरह लगाने, रिमार्क्स वगैरह लग जाएंगे यहाँ पे, साइड में फ़ोटो वगैरह लग जाएगी, सारी डिटेल यहाँ पे आपकी उसकी सेव हो जाएगी, ओके कर दोगे, नो कर दोगे। यहाँ पे भी आप रिपोर्ट्स में जाके, लेजर में जाके देखोगे, तो आपको सारी उसकी जो है रिपोर्ट वगैरह दिखा देगा। कंट्रोल एल में जाना है हमने, यहाँ पे आपने अबे के अंदर जाओगे, एंटर एंटर करके ओके कर दोगे, दिखा आपको दिखा देगा कि इतने रुपए का था, उसने इतने पैसे दे दिए। स्टेटमेंट में जाके प्रॉपर आपको यहाँ पे उसका पता चल जाएगा कि 31,500 रुपये हमने उससे अभी बकाया लेना है। इस एंट्री को आप डबल क्लिक करोगे, तो ये एंट्री आपकी हॉल बुकिंग के अंदर ओपन हो जाएगी। एंट्री ओपन करने के लिए आपको पहले लेजर में जाना होगा, लेजर में जाके आप यहाँ पे ओके करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे, तो ये आपकी यहाँ पे आपको हॉल बुकिंग के अंदर ओपन हो जाएगी। आपने डिटेल देखनी है या कोई डिटेल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप अपना यहाँ पे एंट्री में जाके हॉल बुकिंग में जाके यहाँ पे भी आपकी जो है डिटेल्स वगैरह चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे पता लग जाएगा भी टोटल अमाउंट उनकी कितनी बनी थी, कितना एडवांस आया है और कितना आपका बैलेंस बचा है। अपने बहुत ही अच्छे इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, फंक्शन डेट के अकॉर्डिंग आपने फिल्टर करना है, फंक्शन डेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बुकिंग डेट के अकॉर्डिंग करना है, बुकिंग डेट के अंदर हो जाएगा। फंक्शन डेट अभी देखो 03 है, उन्होंने हमें फंक्शन देखना भी है यार, आज फंक्शन कौन कौन से हैं, 03 मतलब कर दिया उन्होंने, एक एक करके ओके कर दिया, अभी आज कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर वो 03 करेंगे तो 03 में दिखाएगा उनको, देखो अभी कोई फंक्शन है आज, अगर 11 करोगे आप तो आपको दिखा देगा कि कोई भी फंक्शन नहीं है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया सिस्टम आपके लिए लगा के दिया है।
बने रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं आप तक पहुंच पाएं। अगर आपको बाकी सॉफ्टवेयर चलाने में कोई इशू आता है तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।